गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी गॉड हैज गिवन इन माय लाइफ. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस महान समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया. टुडे आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग स्पेशल. आज मैं आपके सामने कुछ खास जो प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ. कैन गॉड ट्रस्ट यू विद हिज टैलेंट. क्या प्रभु जो आपके क्या प्रभु आपको Can God trust you with His talent? With His talent. क्या प्रभु आपके जो वरदान क्या प्रभु अपने वरदान में आपके ऊपर भरोसा कर सकता है? Our God. समझे? It is very hard. ये बहुत ही मुश्किल कार्य है. But I want to share with you about God trust to us. और मैं आपके सामने यही बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु का जो विश्वास जो हमारे लिए. Because of that we are here. इसी कारण जो हम यहाँ पर हैं. Because God gave His talent to us to use for His kingdom. और इसीलिए जो प्रभु ने हमें अपने जो उसने वरदान दिए हैं ताकि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं. But most of time we are not willing to do for to keep talent for His glory. और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम उसकी महिमा के लिए वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते जिसके लिए उसने हमें वो वरदान दिए. But my dear one, पर मेरे प्रियो, one God trusts us. वो जो परमेश्वर है हमारे ऊपर भरोसा करता है. He not see who we are. वो ये नहीं देखता कि हम कौन हैं. He not see what is our ability. वो ये नहीं देखता कि हमारी योग्यता क्या है. Most of time we are, if we are going to buy us one camera or anything, we are first see the brand name and second the how much cost for that. और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं पहले उसका नाम कैसा है और दूसरी उसकी क्वालिटी कैसी है. First we are giving best product and less money. और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो अच्छी चीज हो मगर उसका जो दाम कम हो. God is, if God is trying to measure us, if it is possible to get God's abilities. अगर प्रभु हमें अपने तोल में जो अपने माप में हमें माप के देखे तो क्या हम उस योग्यता में पूरे पाए जाएंगे? Most of time we are failure in our life. कई बार हमें से जो हमारे जीवन में वो बातें नहीं होती. But my dear ones, पर मेरे प्रियो, God want to us with His talent for His glory. और प्रभु चाहता है कि वो अपने वरदानों से वो हमें भरकर वो ऐसा चाहे ऐसा देखता है कि उसकी महिमा के लिए. For most of time, all over India and all over the world, God wants to use you and me for His kingdom with His talent. और वो अपने वरदान के साथ इस संसार में आपको और मुझे इस्तेमाल कर रहा है. But most of time, we are not following the way of God. पर कई बार ज्यादातर हम जो प्रभु के वचन के पीछे नहीं चलते. Most of time, we are giving our theological mind, our doctrinal mind. और ज्यादातर हम अपने ईश्वरीय जो हमारा theological mind है उसको हम But God want not my dear daughter or my dear son. He not want to measure who you or what you learn from your college or what you learn from Bible, but first you listen from me. पर मेरे भाइयों यीशु मसीह परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपने उस कॉलेज में रहकर क्या सीखा है मगर प्रभु वो चाहता है कि जो उसने आपको वरदान दिए हैं. How to get God's talent in our life? वो उन वरदानों को अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं? This is only one way to get God's talent in our life. और यही एक रास्ता है कि हम प्रभु के वरदानों को अपने जीवन में ले सकते हैं. Kneel down before God. अपने घुटनों पर झुक जाए और प्रार्थना करें. Then we can get talent of God in our life. तब हम प्रभु के वरदानों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं. Other way of talent of God, the gift of God in our life. और जो दूसरा तरीका है प्रभु का वरदान लेने के वो है प्रभु के जो आत्मिक फल और आत्मिक वरदान. We are boasting ourselves for God giving talent. और कई बार ज्यादातर हम अपने आप को आगे रख रहे हैं कि जी प्रभु के वरदानों के लिए. Oh, most of people are saying, I have good gift of prophecy or I have good gift of doing miracles. और कई बार हम उन वरदानों को अपने नाम से बोलते हैं कि ये प्रभु ने ये मेरे पास जो भविष्यवाणी करने का वरदान है और ये मेरे पास वरदान है. But God not measure who you are, what you have. और प्रभु इस माप में आपको नहीं देखता कि आप कौन हैं या आप क्या हैं. But God want who you are faithful for the God's presence. पर ये प्रभु आपको ये देखता है क्या आप प्रभु की उपस्थिति में विश्वास योग्य हैं. Are you doing faithfully God?
God's work? क्या आप उस विश्वास योग्यता से प्रभु के कार्य को करने हैं? Are you doing faithfully God's work? क्या आप विश्वास योग्यता से प्रभु को कार्य में लगे हुए हैं? But most of the time he is failure in our life. और बहुत समय देखने को आता है कि हम उस काम में फेल हो जाते हैं। I want to take one passage from the Bible. और मैं बाइबल से एक जो विषय लेना एक पैसे लेना चाहता हूँ। Gospel according to Matthew chapter 25 verse 14 to 30. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 30 आयत पर। That 14 verse anyone can read it. 14 आयत कोई पढ़ सकता है। 25, Matthew 25. Verse 14. 1-4. Again, it will be like a man going on a journey, who called his servant and entrusted his wealth to them. Thus. And in other person is saying, it's like this. और जो दूसरा जो person इस प्रकार से कहता है. His honor, his own servant and believe him, he is good to them. His own servant, his own servant. और वो जो उसका अपना जो सेवक था. And believed his good to them. और उसने विश्वास किया जो उसकी अच्छाई के ऊपर. And we know that parables. और हम ये इस जो उदाहरण को जानते हैं. The one master of law. और एक जो एक सेवक था और एक जो उसका प्रभु था. He had lot of things to give to that his servant. और उसके पास बहुत सी चीजें थी अपने जो सेवक को देने के लिए. He believed of his servant. और उसने अपने जो अपने दास के ऊपर उसने विश्वास किया. We have, okay, suppose Martin's daughter, he have not any trust on me, he not give his daughter to me. और अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए जो मार्टिन सर की जो छोटी बेटी है अगर जो मार्टिन सर को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो अपनी बेटी को कभी मुझे दे नहीं सकता. And suppose he know he not trust on me. और मान लीजिए कि उसको मेरे ऊपर विश्वास है. That's why he giving help to my hand. इसी कारण जो वो उसको जो छोटी बच्ची को मेरे हाथ में दे रहा है. Because he know I'm not going to throw her or not going to get fall down her. क्योंकि मालिक सर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैं उसको फेंकूंगा नहीं या मैं उसको कहीं गिराऊंगा नहीं. When she came to my hand, जब वो मेरे हाथ में आएगी, it was responsibility upon me only. और ये जो जिम्मेवारी होगी ये मेरे ऊपर होगी. And same like here, और उसी प्रकार से यहाँ भी है. Very big one, rich person. और वहाँ पर एक बहुत ही धनी आदमी था. And he got lot of property and money. और उसके पास बहुत धन दौलत और उसके पास पैसा था. He divided that according to that ability of the servant. और उसने उस जो दास की योग्यता के अनुसार उनको उन्होंने बांट दिया. And he divided the money different to different. और उसने भिन्न भिन्न करके सबको बांट दिया. First person he gave 5. और पहले को उसने 5 दिया. Second person he gave 2. और दूसरे को उसने 2 दिया. Third person he gave 1. और तीसरे को उसने 1 दिया. Why? क्यों? To produce more for him. ताकि वो उससे और ऊपर कर सके. Why God put us in the servant of God or the workers of God? और क्यों प्रभु ने हमें जो एक दास के जैसे और एक जो सेवक के जैसे प्रभु ने हमें यहाँ दिया? Because God want to produce to us for the kingdom of God. क्योंकि प्रभु अपने राज्य के लिए और उसमें बढ़ोतरी और उसमें बढ़ाना चाहता है. God want through us, God can do marvelous things. और जब प्रभु जानता है और प्रभु उस महान कार्य को भी कर सकता है. But we are sitting in a corner. और हम एक जो कोने में बैठ जाते हैं. Or we are worrying about cool or we are worrying about ourselves. और हम उस जो ठंड की जो उसके लिए डरते हैं और अपने आप की तो ज्यादातर चिंता करते हैं. But my dear one. और मेरे प्रियो. As a simple army of Indian army. और अगर आप हमारे हिंदुस्तान के भारतीय सेना में देखें. When I was traveling to Kerala, I asked to one person. और जब मैं केरला से जो मैं यात्रा कर रहा था. He said to me, it is very terrible for practicing of the practical feeling. और मैं इस एक आदमी से मैंने पूछा आप कैसे आप आर्मी में रहते हैं तो उसने बताया कि ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल कार्य है करना जब हमारा प्रैक्टिकल होता है. He said it is very hard. I need to wake up every morning and need to run around area with 5 kilo gun. और उसने कहा कि ये बहुत ही हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मुझे उस 5 किलो की बंदूक को लेकर काफी लंबा भागना होता है. More than 3-4 kilometers. 3-4 किलोमीटर से भी ज्यादा. If I say I have sickness. और अगर मैं कहूँ कि मुझे मैं बीमार हूँ. That master not say okay you have sickness you can sit there sometime. और वो जो हमारा जो मास्टर है जो हमारा गुरु है वो ये नहीं कहेगा तुम यहाँ बैठ जाओ. He said he give punishment for him more than 2 kilometers. और वो उसको सजा देगा कि तुम्हें 2 किलोमीटर और भागना है. Because of that they not want to say I have sickness. इसी कारण वो ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूँ.
my dear ones, मेरे प्रिय, as our God on trust on us. और जैसे हमारा प्रभु हम हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, we are giving our excuse to God. और कई बार हम प्रभु के सामने ऐसे बहाने करते हैं, God, you only want to me. और हम कहते हैं प्रभु मुझे एक दो हफ्ते, I have everything you preach on the pulpit on the crusade. हम कहते हैं कि प्रभु मेरे पास वो योग्यता है कि मैं प्रचार कर सकूं पुलपिट से और बहुत बड़ी कन्वेंशन में, but you go there only to me as a 10 or 15 sheep to me. और ये हम यही कहते हैं कि तुम मुझे 10-12 जो भेद है. But my dear one, God gave to us long years by the sheep. God gave to us sheep. Sheep. Oh, God gave to us very long years by the sheep to us. और जो प्रभु ने हमें वो काफी पहले ही वो जो हमें जो भेड़ों को दे दिया है. If suppose 1990 he gave the sheep to us. अगर उसने जो 99 जो भेड़ों को हमें दे दिया है. 2011 the same sheep is with us. और वो आज तक भी 2011 में भी कोई 99 भेड़ ही हमारे पास. There is not any increasing. और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. Only one thing is happening there. और वहाँ पर सिर्फ एक ही बात हो रही है. Some child are born there. और वो जो उन भेड़ों को जो और बच्चे हो रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही. That growth of church only is a child. और जो 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 क्रिश्चियन की एक जो ग्रोथरी है वो उनके बच्चे अपने बच्चे हैं. But my dear one, it's very big question to us. और मेरे प्रियो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है. But we are finally are going to do ministry for God. और जो हमारे तीसरे वर्ष के भाई हैं वो बाहर प्रभु की सेवा की जा रहे हैं. The master gave this preacher when to divide his property and gave to them. और यहाँ पर मालिक ने सबको तीन जो सेवकों को अलग अलग करके भाग दिया है. Which category you are? और आप कौन सी कैटेगरी में आप आए हैं? Are you get that master gave 5 coins to you or are you the master gave 2 coins to you? और जिसको मालिक ने 5 दिया था क्या आप उस कैटेगरी में हैं या फिर जिसको 2 दिया है आप उसकी कैटेगरी में? Or are you in one position? और क्या आप उसमें जो उसको जिसको 1 दिया था क्या आप उसमें हैं? God not asked to you how many miracles you done. और परमेश्वर आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन से जो चमत्कारों को किया. But God asked you how many of you with you with you have. और परमेश्वर आपको ये पूछेगा कि जो मैंने आपको वरदान दिए थे टैलेंट दिए थे उसमें उसके साथ आपने कितने और कमाए. The value of one soul. और एक जो आत्मा की जो वैल्यू है. The value of all wealth. जो सारे संसार के तुल्य है. But a miracle of one person. पर जो एक चमत्कार जो आदमी द्वारा ये बहुत ही कम है. But we are focusing on us or we doing miracles. और हम अपने आप को ज्यादातर आगे रखते हैं और कहते हैं कि मैं ये चमत्कारों को कर रहा हूं. If we are not ample or humility in our life. अगर हमारे जीवन में वो जो अधीरता नहीं है. But God, then God is not able to use us. तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है. But when we able to understand God, I am serving myself to you. पर हम जब ये कहने के लिए तैयार है कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करने के लिए तैयार हूं. Then God start to use us. तब प्रभु हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. First you need to come down on the God's presence. पहले अपने आप को हमें प्रभु की उपस्थिति में नीचे लाना है. The 3 servants are there. और वहां पर 3 सेवक हैं. The master divide that coin. और जो 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 मतलब जो उनका गुरु था उन्होंने उसने बांट दिया उनको. And he went far country. और वो बहुत दूर विश्व में चले गए. आज आई विल टेल आप द सेम पैराबल टुडे. और आज मुझे भी ये उदाहरण दिया ये इस बात को लेने की जरूरत है. जीसस गेव रिस्पांसिबिलिटी टू अस. और जो प्रभु ने हमें ये उत्तरदायित्व दिया है फॉर सेविंग द सोल. और वो आत्माओं को जीतने का. एंड ही वेंट टू प्ले मेक प्लेस फॉर अस. और वो यीशु मसीह जो हमारे लिए उस जगह पर वहाँ पर जगह तैयार कर रहा है. पॉसिबली कम एंड टेक अस. और जितनी जल्दी हो सके वो हमें वापस लेने के लिए आएगा. देन ही नॉट ओनली टेक अस. वो यही नहीं कि हमें साथ ही लेके जाएगा. वहाँ पर एक न्याय भी होगा. देयर इज नॉट एनी एक्सक्यूज ऑफ देम टू फॉलो और होप ऑफ देयर ऑल एनी वन. वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि मैं वहाँ पर सीनियर पास्टर था या मैं वहाँ पर बिशप था या ओवरसियर था. देयर इज ओनली an account of you according to the judgment of what you planned for God. और वहाँ पर ये होगा आपका और मेरा देखा होगा जो हमने इस संसार में रहने किया है. Here this in Indian judiciary you can say lie to the judge. और यहाँ पर हम जो अगर इंडिया की हम कचहरी में कहें हम झूठ बोल सकते हैं यहाँ पर जज के सामने. Because of money you can
may come out of that. और हम पैसे के द्वारा हम जो उस केस से बाहर निकल सकते But heavenly, judicially, you cannot say any excuse before God. पर यहाँ पर एक जो कचहरी है जो कोर्ट है हम उसके सामने प्रभु के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकते My dear one, my God is living one. He knows who you in past, present, and future. पर मेरे प्रियो हमारे साथ हमारा एक प्रभु है जो जानता है कि आप भविष्य में क्या थे और भूतकाल में क्या थे और अभी क्या है Because he is almighty and all powerful God. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी इसी कारण हम जो साधारण मनुष्य नहीं है we are doing work together ताकि हम जो प्रभु के कार्य करें we are our Opportunity is not simple thing. और जो हमें जो सौभाग्य मिला है ये एक आम बात नहीं है Our opportunity is not simple accepting and responsibility of simple thing. हमारा सौभाग्य यही नहीं है कि हम एक उत्तरदायित्व को लेकर चले Most of the time we are thinking of how to fill my pocket. और कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं अपने जेब को कैसे भरूं But my dear one, it may be within a second. और मेरे प्रियो ये एक मिनट में सारा खत्म हो जाएगा Our all money within a second or simple a sickness, it may finish. और ये एक सेकंड में ये हमारा जो भी तुम्हारे पास सब कुछ जब हो जाए But you have a trust on God. और आपका जो भरोसा प्रभु पर हो You are giving priority to Jesus. आपको जो पहले प्रभु को देनी चाहिए It never finish. और ये कभी भी खत्म नहीं The Bible says, वचन कहता है Who you or to trust on God और जिसके जो यीशु मसीह के ऊपर जो परमेश्वर ने विश्वास किया वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा सिग्नल इन मेरे फिजिकल प्रॉब्लम और उसकी चाहे आप जो शरीर का प्रॉब्लम हो या उसकी कोई भी मुश्किल हो बट ही नेवर अशेम और वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा ओके एवरीवन कम द सेम बात है और मैं उसी अपने जो पुराने पैसेज पे आ गया एवरीवन वी सी द थ्री पर्सन इन देयर और मेरे प्रिय हमने देखा वहां जब जो उनका प्रभु और जब उनका मालिक वापस आया और जब यीशु मसीह संसार में आएगा तो हम भी बहुत खुश होंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव होगा पर जब वहां पर न्याय होगा down our head. तब हम अपने सर को नीचे झुका लेंगे Why? क्यों? We not done anything for God. क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया But the five person gave another five to the master. जिसको पांच मिला था उसने पांच और कमा के प्रभु को दिया See, that master said, well done, my servant, you've done marvelous. तब उसने कहा कि हे मेरे नौकर शाबाश क्योंकि तूने बहुत अच्छा कार्य किया Then another person gave another two to the servant, master. और जिसने दो दिया है वो सिर्फ दो उसके प्रभु के सामने आया And another person came. और वो जो तीसरा था वो भी He came very happy. और वो बहुत खुशी से आया. Because he said that man, he thinking is man. और वो अपने मन में ये सोच रहा था. God gave five to that person, two to that person. He because of that he made next two and next five. और वो सोच रहा था जिसको पांच दिया उसने पांच और दिया जिसने दो दिया उसने दो और दिया. But the one person thinking in mind, his mind. और वो जो सोच रहा था वो अपने मन में सोच रहा था और ये तो बहुत छोटी बात है और बहुत ही कम था गॉड नेवर माइंड और ये परमेश्वर इस बात को लेकर पर मेरे प्रियो इवन इट इज सिंबल और इट इज माइनर इट इज सिंगल इट इज सिंबल चाहे ये साधारण है चाहे छोटी है और चाहे कैसी भी है यू मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट और आपको उसके लिए उत्तरदायित्व बनना है एंड दैट्स व्हाई दैट मार्क दैट सर्वेंट गिव्स हिज दैट वन पॉइंट टू द मास्टर और इसीलिए जो उस जो सेवक ने अपना एक सिक्का जो उसको मिला था उसने वापस दिया नो व्हाट ही डन आप जानते उसने क्या किया ही केप्ट दैट वन कॉइन अंडर दैट डेस्क और उसने जो अपना एक जो उसको मिला था सिक्का मिला था उसने अपने खोल के और उसने उसने सोचा कि एक बीज के जैसे शायद ये भी बढ़ जाएगा माय डियर वन वी मे आफ्टर थ्री और आफ्टर टू और आफ्टर फोर इयर्स यू मे फिनिश रन आफ्टर द ग्रेजुएशन यू मे रन फ्रॉम हियर और मेरे प्रियो आप भी एक साल के बाद दो साल के बाद तीन चार साल के बाद हम भी अपना जो अपने ग्रेजुएशन को यहाँ हो जाएगी तो हम भी चले जाएंगे और आफ्टर योर मे सिटिंग इन योर डाइनिंग हॉल योर sitting and you're saying, oh, I'm going to do marvelous thing. और आप सोच रहे होंगे जब डाइनिंग हॉल में बैठते हैं कहीं बैठते हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कार्य को बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। But my dear one, it never worked out. पर मेरे प्रियो हमारी सोच से कभी भी नहीं हो सकता। You must do something for God. आपको प्रभु के लिए कुछ What is your ability or what is your
attitude or what is you have? आपकी योग्यता और आपका स्वभाव और आपकी पहचान क्या है? God made you blessing for you. उसी का प्रभु आपको जो आशीष देगा. My dear ones, मेरे प्रिय. And that master believe on his servant and give good thing to him. और जो गुरु ने जो जो उनके दास प्रभु ने उनके ऊपर विश्वास किया और उनको दे दिया. Who can give trust more anything anywhere? क्या आपके ऊपर कोई किसी भी समय विश्वास कर सकता है? My dear ones, whom you trust? मेरे प्रियो, जो हमारा भरोसा कहाँ पर है? His name is Elohim. और उसका नाम जो Elohim. He never change anywhere. और वो कभी भी कहीं भी change नहीं करता. He is Elohim God is unchangeable God. और वो जो सर्वशक्तिमान प्रभु है कभी नहीं बदलता. He will do marvelous things now. और वो जो बड़े बड़े और महान काम. I ask the question, whom God can? God never test me. God never test our ability. और ये मैंने सवाल पूछा था कि प्रभु कभी भी हमारी योग्यता को नहीं परखता. Yes, my dear ones. हाँ मेरे प्रिय. God gives His talent to us to grow, go for the glory of God. हाँ मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें ये बता दिया है कि हम उसकी महिमा के लिए कार्य इस्तेमाल किए. Because we need to stand for the glory of God. क्योंकि हमें प्रभु की महिमा के सामने खड़े होना. Nothing else we can do for His will. और हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते. If I may speak English, if I may speak any for any language. अगर मैं इंग्लिश बोलूं और कोई भी फॉरेन लैंग्वेज बोल दूं, it may finish within that graveyard. और ये मेरे मरने तक खत्म हो जाएगा. Or if I have any degree, it may it finish in the graveyard. और चाहे मेरे पास कोई भी बड़ी डिग्री हो, ये सब उस शमशानघाट में खत्म हो जाएगी. But my dear one, one thing only still intact. पर मेरे प्रियो, अभी भी एक बात वहां पर है. Trust whom you trust. आपने किसके ऊपर भरोसा विश्वास? That's what Paul say. इसी कारण जो Paul है, running faithfully my race. और मैं अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता से दौड़ता हूँ. Why I need to get the race? I need to win the race. और क्यों मैं बात करता हूँ कि मुझे ये दौड़ को जीतना है और उस गोल को प्राप्त करना. That's why I'm not thinking anything the race. और मैं इसी कारण संसार में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता. Everything I'm keeping on destiny. और सब कुछ मैं इसको कूड़े कूड़े ही समझता हूँ. Because क्योंकि he knows the value of the kingdom of God. क्योंकि पौलुस जानता था कि जो उस जो प्रभु के राज्य की क्या वैल्यू है. My dear ones, ask Paul, ask John, lot of people have trusted God. और जैसे प्रभु के जो प्रभु के दास अय्यूब ने जो पौलुस ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया. They saw the marvelous thing and result of their life. उन्होंने अपने जीवन में उस बहुत बड़े कार्य को देखा. They trusted on God. जैसे उन्होंने विश्वास किया. We can do marvelous things for the Lord. बड़े बड़े कार्य कर सकते प्रभु की महिमा के लिए. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.